बात होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो यही कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कड़क तेवर हैं, खासकर अपराधियों के लिए, कुख्यातों के लिए, जेल में बंद अपराधियों के लिए। लेकिन इस वक्त जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, आप भी कहेंगे कि वाकई योगी आदित्यनाथ का दिल कितना बड़ा है। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में आए हैं, यूपी की सत्ता पे काबिज हुए हैं, अपराधों पर लगाम लगी है, अपराधियों पर लगाम लगी है। या तो अपराध करने वाले यूपी छोड़ रहे हैं या फिर अपराध से तौबा कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें खुद जो ये कुख्यात बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, ये थाने पहुंच रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं कि जी हमको इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से हम कोई गलती नहीं करेंगे। इन सब के बीच कैदियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान है उन कैदियों के लिए जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी उम्र को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक अहम निर्णय लिया है। अब आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद कैदी को 60 साल की उम्र होने का इंतजार नहीं करना होगा। जैसे ही उसकी सजा खत्म होगी, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, आपको जरा डिटेल में बता देते हैं। आप जरा उससे पहले ये समझ लीजिए कि आजीवन कारावास की सजा का नियम क्या है। कानूनी भाषा में कहें तो किसी भी अपराध में मिली आजीवन कारावास की सजा से बंदी को पूरे जीवन जेल में रहना होता है। लेकिन जेल में बढ़ती कैदियों की भीड़ और अच्छे चाल चरण के चलते आजीवन कारावास की सजा मिलने वाले बंदियों को कम से कम 16 साल तो जेल में रहना ही होता है। अब 20 साल की सजा काटने के बाद कोई भी बंदी अपने अच्छे चाल चरण के चलते सजा से पहले रिहाई पाने का अधिकार हो जाता है। तो ऐसे में पहले लागू नियम के अनुसार आजीवन कारावास की सजा में समय से पहले रिहाई पाने वाले बंदी की उम्र कम से कम 60 साल होना जरूरी है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की उम्र 25 साल है और उस उम्र में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। मान लीजिए वो अपने 20 साल की उम्र काट ली और उसका अच्छा चाल चरण रहे, तो नियम के मुताबिक उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। तो ऐसे में 25 साल उसकी उम्र थी, 20 साल में उसकी रिहाई का आदेश दे दिया गया, तो उसको 60 साल तक जेल में रहना होता था। इस नियम को अब योगी आदित्यनाथ ने खत्म करने का फैसला लिया है। इसको लेकर सोमवार को मीटिंग होगी। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ जो निर्णय होगा उस पर मोहर लग जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये हर तरह से फायदेमंद होगा। एक तो उस शख्स के लिए जो जेल में है, अच्छे चाल चरण के लिए बाहर तो आ सकता है लेकिन उम्र उसके लिए बाधा बन रही थी। और दूसरी राहत की बात उन लोगों के लिए है कि जिस तरह से जेल में कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहाँ कुछ न कुछ कोताही बरतने का मौका सरकार को भी मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैदियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का फरमान जारी किया है, जो निर्णय लेने का फैसला किया है, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।